तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब हम बात करेंगे फतेहपुर की। यहाँ की जनता का मूड आखिर क्या है, किसे अपना नेता मानती है और किसका असर जनता पर इस वक्त पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इस रिपोर्ट को देखिए। पिछली बार लिख कर दो सरकार में आपका स्वागत है और फतेहपुर लिए चलते हैं आपको, जहां पर राजस्थान का ये शेखावाटी है, जहां पर वीरों की ये भूमि है। तो जो भी नेता आते हैं वादे कर जाते हैं लेकिन लिखित में नहीं देते, इसको लेकर ITV नेटवर्क की जो मुहिम है इसके लिए हमारे जो साथ हैं फतेहपुर के लोग, इनसे जानते हैं। काफ़ी नेता आते हैं तो लेकिन मुहिम कहीं ना कहीं वादे और दावे कर जाते हैं लेकिन वो फेल होते नजर आते हैं लिखित में, इसको लेकर आपका क्या कहना है? मेरा ये मानना है कि कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी जनप्रतिनिधि जब भी कोई वादा करे तो उससे जनता को ये चाहिए, आम मतदाता को ये चाहिए कि उससे लिखित में ये ले कि आप जो वादा कर रहे हो वो वादा कैसे पूरा करोगे और कितने समय में पूरा करोगे। हर राजनीतिक दल वोट को लुभाने के लिए इस तरह के वादे करती है जो कभी संभव ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी भोली भाली जनता उनके बहकावे में आ जाती है। यदि उसको कानून का रूप दे दो आप कि जो भी आप करोगे लिखित में दोगे और उस समय में यदि आप पूरा नहीं करते हो तो उस राजनीतिक दल की मान्यता खत्म करने जैसा प्रावधान होना चाहिए, उस जनप्रतिनिधि का चुनाव निरस्त करने जैसा प्रावधान होना चाहिए, ताकि कोई भी राजनीतिक दल और कोई भी जनप्रतिनिधि जनता से वादा करने से पहले हजार बार सोचेगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। यदि वो करने में सक्षम है तो ही वो वादा करेगा। बिल्कुल, देखिए जो 17वां लोकसभा चुनाव उसके लिए शेखावटी की जनता है वो भी तैयार है, 16वां लोकसभा चुनाव जब तक आया तो कई नेता यहाँ पर दावे और वादे तो खूब किए लेकिन यहाँ तक की जो समस्या है वो जो कि तो क्या क्या समस्या मुख्य तौर से यहाँ पर कही जाए तो क्या क्या समस्या है यहाँ पर फतेहपुर की दो ही मुख्य समस्या है, एक तो मीठे पीने के पानी की और एक पानी निकासी की। और यहाँ पे हमारे शीश राम जी ओला है, वो कई सालों से कहते आ रहे थे कि यहाँ नहर का पानी लाऊंगा, आज तक नहीं आया। उसके बाद में जो भी राजनेता आता है कि नहर का पानी लाऊंगा, आज तक नहीं आएगा। कभी लिखित में लिया? हमारा जो अभियान ये ITV नेटवर्क का जो अभियान है वो कहीं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये जनता को जागरूक करने का जो अभियान है वो लेकर आपके बीच में आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा सकता है कि काफी जो नेता यहाँ पर दावे और वादे खूब किए लेकिन वो हुआ अभी तक पूरे नहीं हुए? बिल्कुल नहीं हुए पूरे। कोई भी राजनीतिक दल है वो वादे तो पूरा नहीं करता है, लेकिन जो वर्तमान में मोदी सरकार है उससे उम्मीद जरूर है कि वो जो वादे हैं, क्योंकि जो हमारा स्वाभिमान बचाने का काम किया है वो इस सरकार ने किया है और जो विदेश के अंदर जो हमारी जो इमेज सुधरी है भारत की वो भी की है और पाकिस्तान को बैकफुट पर लाने का जो काम किया है वो इस सरकार ने किया है। हालांकि ये जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं इनके सामने जो हमारे क्षेत्रीय मुद्दे नहीं, ये चुनाव है जो राष्ट्रीय मुद्दे पर लड़ा जाता है, इसलिए क्षेत्रीय मुद्दे हम गौण मानते हैं। कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय मुद्दों की अगर जो पार्टियाँ हैं उनको भी तो कहीं ना कहीं लिख कर देने, ये कहीं ना कहीं बात सामने आती है। बिल्कुल, लिख के देने से जो ये आपका धन्यवाद है कि आपने ऐसी मुहिम चलाई है और हम भी जो राजनीतिक दल यहाँ पे वोट मांगने आएंगे उनसे ये कहेंगे कि आप जो वादे करते हैं हमारे क्षेत्र के लिए उसमें आप हमें लिख के दीजिए कि आप कितने दिन में वादे पूरे करेंगे, कब करेंगे, क्या आप अपने कार्यकाल में वादे पूरे करेंगे। तो कम से कम दोबारा वो वोट मांगने के लिए आए तो उनको उनका लिखित है वो दिखाया जाए कि भैया आपने वादा किया था, आपने पूरा नहीं किया, इसलिए आप वोट मांगने के काबिल नहीं है। लोकतंत्र के लिए जनता ने यहाँ पर साइन सिग्नेचर है वो किए हैं और भी लोग हैं, आप बताइए किस तरीके से लोकतंत्र का जो महापर्व आ रहा है उसके लिए आप किस तरीके से तैयार हैं, तो लोग जो चुनावी वादे हैं और दावे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि चुनाव से पहले हर एक जो कैंडिडेट आता है वो वादे करता है और फतेहपुर के मीठे पानी की जैसे बताया वो समस्या है, एक्चुअल में समस्या। और जब चुनाव आते हैं हमेशा सुनते हैं चुनाव के टाइम ये लगता है कि नहर आ रही है और जो दो साल तीन साल के बाद वो नहर पांच साल बाद दोबारा वहीं से शुरू होती है जो पिछले पांच साल में हुई। बिल्कुल, नहर वैसी की वैसी रहती है, नहर आती नहीं है, इनको लोग लुभाने जो वादे हैं वो कर लिए जाते हैं, फिर से जो नेता आते हैं फिर से वही का दूसरा। यहाँ युवा वर्ग जो है उसके लिए यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज का हर बार मांग होती है, हर बार उसके लिए आश्वासन मिलते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर होगा, लेकिन मैं एक ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे युवा मतलब मांग करते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज होगी फतेहपुर में और राजस्थान में बहुत सारी एडेड कॉलेज थी जो एज ए गवर्नमेंट कॉलेज होती थी। पिछले जो शासन अपना जो CM गहलोत बने उस टाइम में जो एडेड कॉलेज जो चमड़िया था एक छात्रों के लिए
जाने का एक जरिया था एजुकेशन में बढ़ने का, उसको भी पूर्णतः प्राइवेट करके और उसको बंद कर दिया, मतलब एज ए प्राइवेट कर दिया। और वही लोग अब दोबारा चुनाव में, और उन्हीं के लोग जो सपोर्टर हैं वो बोलते हैं गवर्नमेंट कॉलेज। तो मैं यही चाहता हूं कि आपने जो दिखाया उसके अनुसार जो भी कैंडिडेट हमारे आए वो हमें रिटर्न में दे। युवा वर्ग उससे पूछे कि भैया हमें ये रिटर्न में दो, आप कॉलेज खोलोगे या जो हमारे हैं यहाँ हैं उनको भी आप बंद करने का मुहिम चलाओगे? अब की बार लिख कर दो सरकार, तो आप जो ITV नेटवर्क जो मुहिम लेकर आए क्या क्या मानते हो? नहीं, मुहिम बढ़िया है, इसके लिए आपको धन्यवाद। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मुद्दे स्थानीय हैं वो कुछ नहीं है, वो गौण है, अभी राष्ट्रीय मुद्दे हैं। लिख कर दो कांग्रेस 1971 से लेकर अब तक कांग्रेस मूर्ख बनाती आई है। इंदिरा गांधी ने कहा था गरीबी हटा देंगे, गरीबी नहीं हटी, गरीब हट गए। दोबारा से कहीं ना कहीं कल भी एक राहुल गांधी की जो मैं वही पे आ रहा हूँ, आपको वही बता रहा हूँ। राहुल गांधी ने कल कहा था कि 72,000 रुपए सालाना देंगे, कहाँ से लाएंगे वो 72,000 रुपए, और 12,000 रुपए महीना देंगे, 6 महीने का तो ये फर्क आ गया, कहाँ से देंगे वो? लिख कर दो कांग्रेस की आतंकवादी को समर्थन नहीं करेंगे, लिख कर दो कांग्रेस की शहीदों की शहादत पर खुशियां नहीं बनाएंगे, लिख कर दो कांग्रेस मोदी जी ने जो वादे किए वो पूरे किए हैं, हमें उम्मीद है आगे वादे पूरे होंगे। मोदी जी ने जो वादे किए हैं वो अक्षरश पूरे होते जा रहे हैं, लोग उनसे संतुष्ट हैं, खुश भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लिख कर देना चाहिए कांग्रेस को। और भी लोग मौजूद हैं, आप बताइए किस तरीके से जो लगातार मुद्दे, काफ़ी लोकसभा चुनाव 16 लोकसभा चुनाव आपने देख लिए, उसके बाद अब 17वें की तैयारी, तो क्या उम्मीदें हैं? सबसे पहले आपके चैनल को हम धन्यवाद देते हैं जो आपने ऐसा एक मुहिम चलाई है। एक्चुअल में जो आपने कहा है जागरूकता अभियान, ये होना चाहिए और सभी कैंडिडेट से लिख के लेना भी चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात आती है आज के टाइम फतेहपुर की, तो फतेहपुर के अंदर जितने भी नेता आते हैं वो एक बार वादा करते हैं, फिर उसके बाद में लौट के नहीं आते हैं, भूल जाते हैं। कहीं ना कहीं और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे कि किस तरीके से कैसे क्या मुद्दे हावी रहते हैं और कहीं ना क्या क्या समस्या। शेखावटी की अगर बात कर ले तो, झुंझुनू लोकसभा की अगर बात कर ले तो, झुंझुनू लोकसभा, पहले तो आपको धन्यवाद है इस मुहिम के लिए। और जो फतेहपुर है, झुंझुनू लोकसभा के अंदर आता है फिर वादे करके कोई कैंडिडेट वापस आके उसका पूरा नहीं करता है, इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, वास्तव में लिख के लेना चाहिए, ये सरकारी पूरी जिम्मेदारी है। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे कि कहीं ना कहीं राजनीतिक जो पार्टियां आती है वादे करती है फिर चली जाती है लेकिन लिखकर नहीं होता, इससे की वजह से काफी कई सालों से ये देख रहे हैं 16 लोकसभा चुनाव चले गए और 17वें की तैयारी है, तो क्या मानते हैं? पिछले लोकसभा चुनावों में काफी टाइम से देखा जा रहा है कि जो भी सांसद होता है, और लगभग कांग्रेस के ही सांसद रहे हैं, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं करवाया था। इस बार केवल पहला ऐसा इतिहास था जिसने फतेहपुर से भी लीड दी थी बीजेपी को और बीजेपी का सांसद बना था, और उसमें फतेहपुर से और झुंझुनू की जो मेन सड़क है दिल्ली राजमार्ग की तरह है, उसकी काम इसी गवर्नमेंट में अभी हुआ है, जो एक ऐतिहासिक काम हुआ है। इसके पहले आज तक सांसद कोई ऐसा नहीं है जिसने फतेहपुर के लिए कुछ काम किया है, और यही उम्मीद चाहते हैं कि आगे भी बीजेपी का यहाँ से बने और वो उससे काम की उम्मीद है, क्योंकि कांग्रेस से तो उम्मीद बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हमारा जो लक्ष्य है किसी पार्टी को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन मुद्दा ये है कि कहीं ना कहीं जो लिख कर दे सरकार, ये हमारी मुहिम है, तो क्या मानते हैं आप? राकेश जी, आपको इस मुहिम में थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए, आगे क्या करेंगे उसके लिए लिखने की अभी जरूरत नहीं है। अभी तक 70 साल में जितने भी चुनाव हुए हैं हर पार्टियों ने अपने जो वादे किए सब लिखित में दिए, घोषणा पत्र जो होता है प्रिंट होता है, सबके रिकॉर्ड पड़े हैं। आप लिख के ये मांगो कि 70 साल में जितनी भी सरकारें रही हैं उन्होंने क्या क्या वादे पूरे किए, वो लिख के दे ताकि जनता को तुलना करने में सहयोग मिले। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इनका अलग अलग सजेशन यहाँ से आ रहे हैं, तो और भी लोग मौजूद हैं, युवा हमारे साथ, खास करके लोगों को बरगलाया जाता है, अलग अलग चुनावी मुद्दे हैं वो देखा जा सकता है, कहीं ना कहीं लोग लुभाने वादे दिए, तो उसमें क्या मानते हो आप? मेरा ये मानना है कि थोड़ा समझने का फ़र्क है, जैसे कोई व्यक्ति फ्रॉड करता है तो उसके लिए कानून में प्रावधान है, तो मेरा ये मानना है कि चुनाव आयोग को इस पर थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए, और राजनीतिक पार्टियों को सबसे बड़ी बात है क्वेश्चन मार्क ये है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी ने आज तक ये बिल बनाने की पेशकश क्यों नहीं की, सबसे बड़ी बात है ये, क्योंकि चाहे कोई भी पार्टी हो, पार्टियों में सब में खोट है, वो ये नहीं चाहते हैं कि चुनावी वादे पूरे हो, अगर चुनावी वादे पूरे हो जाते हैं तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। कहीं ना कहीं देखिए वोटर यहाँ पर जागरूक नजर आ रहे हैं, तो और भी लोग मौजूद हैं, आप बताइएगा किस तरीके से जो लगातार हमारी जो मुहिम है उसमें लोग काफ़ी जुड़ रहे हैं शेखावटी, तो कैसी मुहिम होने, क्या इसमें और कुछ होना चाहिए? पहले बात तो मैं आपके चैनल से ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये मुहिम बहुत अच्छी चली, लेकिन इन कांग्रेस जो पार्टी है
उसके बारे में तो ये करने की आवश्यकता नहीं है। जो आज तक यहाँ कांग्रेस का सांसद रहा है झुंझुनू से, अभी तक कुछ किया ही नहीं है। अभी उन्होंने 6 बार सांसद यहाँ से सीसराम जी ने भी है, तो एक काम कांग्रेस तो करती नहीं है। अभी अब देखते हैं बीजेपी वाले कुछ अच्छा है। एक कहावत भी रहती है, पहले लिख पाछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले, ऐसी कुछ कहावतें भी बनी है, तो आप उसको लेकर क्या कहेंगे? मेरा ये मानना है कि हर हालत में कोई भी राजनीतिक दल हो उससे लिखित में लेना चाहिए, और वो दस्तावेज का रूप होना चाहिए, वो कानूनी दस्तावेज होना चाहिए। हम किसी से भी कोई भी एग्रीमेंट करते हैं, चाहे 2 रुपए की भी चीज लेते हैं, तो उससे भी हम लिखा पढ़ी करते हैं। तो क्यों नहीं जनता की भावनाओं के साथ खेलने वाले जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों के साथ वो जो भी वादा होता है वो कानूनी प्रारूप होना चाहिए, ताकि वो जनता के बीच में दोबारा आने से पहले कानून का डर उनको सताए। और जो मेरे साथी लोग किसी भी राजनीतिक दल पर टिका टिप्पणी कर रहे हैं, मैं उन लोगों से ये कहता हूँ कि वो एक जागरूक मतदाता का काम करें, न कि किसी पार्टी के अंधभक्त का काम करें। अंधभक्ति के कारण ये देश 70 साल में इतना पीछे चला गया, और इसी अंधभक्ति की वजह से फिर पीछे तौर से ये बात सब लोगों की सामने आ रही। तो आप ये भी बताइए, अगर पिछले सालों की अगर बात कर लें तो अलग अलग कई नेता यहाँ पर आए, नहर के भी जो कई वादे किए गए, लेकिन वो वादे हैं, वादों का क्या, वादे तो ऐसे ही पानी की तरह बह गए हैं। मेरा ये मानना है कि किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी व्यक्ति आया हो, उन्होंने जनता से सिर्फ वोट लेने के लिए वादे किए, जनता को भड़काया और वोट लेके चले गए। चाहे वो कांग्रेस का नेता हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, चाहे स्वयं भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस खुद पार्टी हो। कांग्रेस के राज रहा, कॉलेज नहीं खुला, बीजेपी का राज आया, सब ने कॉलेज की बात की, फतेहपुर में कॉलेज खुला। गंदे पानी की समस्या है, आज तक किसी भी पार्टी ने उस समस्या का समाधान किया? कोई कहता राष्ट्रवाद कहता है, कोई कहता ये कहता। मैं कहता हूँ सबसे पहले आदमी को जरूरत है अपने घर के आसपास साफ सफाई की, पीने के स्वच्छ पानी की, अच्छे स्वास्थ्य के लिए बढ़िया हॉस्पिटल की, बच्चों को पढ़ने के लिए कॉलेज की। उन पे चर्चा नहीं करके और हम बैठाव में आके उन बातों पर ध्यान दे रहे हैं जिसका हमारा कोई लेना देना नहीं है। रही बात, आप ये कहते हो कि पहले वालों से हिसाब मांगो, तो क्या पहले वाले ने चोरी की इसलिए तुम्हें भी 60 साल चोरी करने देंगे? ये कौन सा तरीका है? जो सत्ता में बैठा है उससे हिसाब मांगा जाएगा, उससे पूछना चाहिए, और यदि जनता उससे नहीं पूछती है तो फिर गलती पे गलती करती है, जिसका खामियाजा ये होता है कि आज तक कोई भी चीज व्यवस्थित नहीं हुई। बात चाहे गरीबी की बात कर लें, गरीबी हटाने के लिए काफी वादे कर रहे हैं, काफी अगर बात शिक्षा की कर ले तो कई वादे किए जाते हैं, लेकिन सभी वादों को हम यही कहना चाहेंगे कि सभी वादे हैं वो लिख कर जो ले, और भी लोग मौजूद हैं, आप बताइएगा किस तरीके से क्या 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 विकास समस्या है यहाँ पर? काफी वादे तो खूब किए थे लेकिन अभी तक क्या कुछ हो पाया? नहीं, अभी सब ने बताया कि कॉलेज, सरकारी कॉलेज की महत्वपूर्ण समस्या थी, क्योंकि यहाँ से लगभग 30,000 बच्चे पढ़ने जाते हैं दूसरी जगह, तो सरकारी कॉलेज की समस्या ही थी। हमारे यहाँ वसुंधरा राजे थी, उनको यहाँ पे हमारे जो भामाशाह हैं उन्होंने 20 बीघा जमीन दे दी और कॉलेज बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए अनुमति दे दी, लेकिन फिर भी आदरणीय वसुंधरा जी ने कहा कि आप हमारा विधायक जिताइए, उसके बाद में कॉलेज खोलेंगे। तो इस तरह की जो बातें ली, उसका नतीजा भी भुगतना पड़ा उसको, कहीं ना कहीं नतीजा भी यहाँ पर भुगतना है, सरकारों को देखना पड़ा है, सरकारों को नतीजे यहाँ पर भुगतने पड़े हैं, क्योंकि कई कई बातें ऐसी कही जाती है उसके कारण। विधानसभा की अगर बात कर लें तो विधानसभा जो है ऐसी कुछ बातें कही गई थी उनमें नतीजे, आप युवा हैं तो काफ़ी